Example, if n is an odd integer, then 4 divides this number. Okay, so this is the direct proof, and it means that we have to take this as the proof p. This is the p and this is the q, and direct proof mein p hamesha true hota hai. Yani n mere paas koi a odd integer hai, main use likh sakti hu 2k plus 1. Ab divides ka kya matlab hai? Hum ye baat pehle bhi dekh chuke hain ki divides ka matlab hai ki 4 divides n square minus 1. इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि 4 दिस n square minus 1, 4 के को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा. यानी आगे कोई रिमाइंडर नहीं है. अगर डज नॉट डिवाइड वाली बात होती तो आगे हम रिमाइंडर लिखते, लेकिन कोई रिमाइंडर नहीं है. इसका मतलब दैट डिवाइड्स दिस नंबर. ओके, अब इसका मतलब n square minus 1 इज बीइंग डिविजिबल बाय दिस 4. तो इसका मतलब कोई इंटीजर आएगा इस वैल्यू में, अगर हम इसमें n की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीजर का मल्टीपल होगा. यानी मैं लिख सकती हूँ n स्क्वायर माइनस 1, और आगे मैं वैल्यू डाल देती हूँ 2k प्लस 1, क्योंकि n कुछ और इंटीजर है तो और इंटीजर में पता हम ऐसे लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 2k माइनस 1, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 1. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 4k स्क्वायर प्लस के, और हम मैं कह सकती हूँ जैसे सम इंटीजर. तो फोर, ये जो भी एन स्क्वायर माइनस वन है, अगर और इंटीजर हो तो दैट इज़ बीइंग डिविजिबल बाय 4. क्यों? क्योंकि एक इंटीजर को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर दे रहा है. हमारे पास अगली एग्जांपल है, इफ 3 डज नॉट डिवाइड एंड देन इट डज नॉट डिवाइड एन स्क्वायर. यानी 3 डज नॉट डिवाइड एन, तो 3 डज नॉट डिवाइड एन स्क्वायर. अब डज नॉट डिवाइड के लिए हमने अभी बात की कि इसका मतलब n जो है 3 से अगर डिवाइड होता है तो हम खाली इतनी बात लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई रिमाइंडर भी आके आएगा अगर डज नॉट डिवाइड है. तो इसका मतलब कि कोई 3 का इंटीजर मल्टीपल तो आ रहा होगा, लेकिन आगे कोई रिमाइंडर भी आ रहा होगा. तो अगर हम ये एज्यूम कर लें ना, दिस इज़ द पी स्टेटमेंट, एंड पी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. इसका मतलब मैं पी स्टेटमेंट को लिख सकती हूँ कि n किसी इंटीजर का मल्टीपल है, लेकिन आगे कोई रिमाइंडर भी है. तो ये रिमाइंडर हमारे दो चॉइसेस हो सकते हैं, या तो 3 प्लस m1 हो सकता है, या प्लस 1 हो सकता है, या प्लस 2. अगर वापस आके 3 होगा तो वो वापस हमें 3 m में प्लस होके वो 3 का डिविजिबल होगा. ओके, अगर हमारे पास केस 1 है, दिस अगर हम 1 देखें एंड हमारे पास 3 m प्लस 1 है, तो अब हम इसका स्क्वायर करें, n स्क्वायर करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ 9. इस पूरे का स्क्वायर करें आप, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1. तो इसका मतलब ये n स्क्वायर आपके पास आ रहा है कुछ 3 का. आप ये आप कह दें कोई इंटीजर है आपके पास 3k प्लस 1, तो अगेन आपके पास 3 की मल्टीपल में कोई है तो सही, लेकिन आगे आपके पास आगे रिमाइंडर है तो ये डिविजिबल नहीं है. उसी तरह अगर आप n को ले लेते हैं 3m प्लस 2 और आप इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 2m 12m. यानी ये आपने इस तरह करना है, इसको एक्सपैंड करना है, और ये हो जाएगा 4. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1, और 3 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 n प्लस 1. तो इस चीज़ को मैं एज अ कोई इंटीजर लिख सकती हूँ, 3r या आप m डैश लिख दें प्लस 1. तो अगेन किसी इंटीजर का मल्टीपल तो 3 है, लेकिन साथ कोई आगे रिमाइंडर भी दे रहा है अगर n आपके पास कोई, हाँ अगर आपने ये ज्यूम किया कि n इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3, तो आपने यहाँ के रिमाइंडर का सिर्फ आपने ये फर्क देखना है कि डज नॉट डिवाइड है तो आप आगे कोई रिमाइंडर ले रहे हैं. तो यहाँ प्लस 1 और प्लस 2 दो ऑप्शंस बनती थी, क्योंकि अगर आप प्लस 3 करेंगे तो फिर वापस आपको वो चीज़ दे देगा, और यहाँ आपके पास अगर डिवाइड करता है तो आपके पास कोई आगे रिमाइंडर नहीं होगा, खाली इंटीजर में बात आएगी.